सी लैंग्वेज की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इफ और नेस्टेड इफ एल्स, और इसके जरिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में तीन नंबर हैं ए कोमा बी कोमा सी, और हमें करना क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि तीनों में से बड़ा कौन है, ए बड़ा है या बी या सी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। इंक्लूड stdio डॉट एच लेंगे आप, देन वाइट मेन। जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में आपको ये बात बताई है कि वाइट की जगह आप इंट भी लिख सकते हैं, और कई कंपाइलर में कई IDE में ये वाइट आप लगाएंगे तो एरर आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर इंट भी लगा सकते हैं। क्लियर, तो मेरे पास में फिलहाल तीन नंबर हैं इंट ए कोमा बी कोमा सी। ओके, तो प्रिंट एफ लगाया मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ ए। ओके, रन टाइम पे मैंने एक मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और उस नंबर को मैंने वेरिएबल ए में होल्ड करवा लिया। अगेन प्रिंट एफ, आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी देन वी। अगेन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा आपका सेकंड, यहाँ हो जाएगा थर्ड और यहाँ हो जाएगा सी। ओके, ये तीन नंबर हमारे एंटर हो गए, और अब हमें करना है वेरीफाई। इफ ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से। क्लियर, जैसे कि मैंने यहां पर यूज किया है ये एंड ऑपरेटर। ओके, इसमें हमारे पास में दो कंडीशन है कि ये कंडीशन वन है आपके पास में, जैसे कि थोड़ा मैं यहां पर गैप दे देता हूं मैं, और एंटर दबा लेंगे आप। और ये आपकी हो गई कंडीशन वन, ये आपकी हो गई कंडीशन वन। ओके, और ये आपकी हो गई कंडीशन टू। ओके, ये कंडीशन टू हो गई, ये कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड। क्लियर, तो इसमें एंड में क्या होता है, एंड में हमने यहाँ पर दो कंडीशन पास करी है। पहले तो हमने ये लिखा है कि ए अगर बड़ा है बी से एंड, और ए बड़ा है सी से। ओके, तो क्या होगा, ओके, जब आप एंड यूज करते हैं, जब आप एंड यूज करते हैं तो उस केस में कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। ओके, कहने का मतलब ए, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ए में 10 है, बी में 20, सी में 30, तो क्या ए बड़ा है बी से? नहीं, क्योंकि ए में 10 हैगा और बी में 20, तो यहीं पर कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। क्लियर, तो एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, अदरवाइज में फॉल्स। तो मैंने यहाँ लगाया, ये प्रिंट एफ लगाया मैंने,
ए लिखा गया यहाँ पर, ओके, और इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। ये अगली कंडीशन एल्स इफ, ओके, अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से भी, ओके, मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा आएगा, ओके, तो सिंपल सी बात है, ए ही बढ़ाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर मैंने लगाया कि अगर बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, तो मतलब बी बड़ा है आपका, ओके, मतलब बी बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा बी। ओके, तो अगर मान लीजिए यहाँ भी कंडीशन रॉन्ग हो गई, ये वाली कंडीशन में भी आपकी रॉन्ग हो गई और ये भी रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब ना तो ए बड़ा है ना तो बी बड़ा है, तो बड़ा कौन है अब सी, तो लिखेंगे आप एल्स वाले पार्ट में प्रिंट एफ सी, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो प्रोग्राम को आप सेव करते हैं पहले, तो प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी सेव लेगा, बट फिर भी से सेव इस कर लेंगे, ए बी सी डी डॉट सी ले लेंगे, इसे करते हैं एग्जीक्यूट। ओके, शायद एक कर्ली ब्रैकेट मिस हो गया, लगाते हैं एंड वाला, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर 10 ये और सी, ओके, जहर से बात देगा सी बढ़ाएगा, सी आएगा। अगेन मैंने कंपाइल किया, अब 30 20 10, अब कौन बड़ा ए। अगेन मैंने कंपाइल किया, 10 15 30, अब बी बढ़ाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये तो मैं हटा दे रहा हूँ, उसका कोई यूज नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था मैंने, तो इसका गैप भी थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, और इसको भी हटाई दो, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसको दोबारा करते हैं एग्जीक्यूट, ओके, और इसको आप मल्टीपल इफ से भी कर सकते हैं, इफ लगाया आपने और यहाँ पर एक इफ और लगा देंगे, इसको हटा देंगे आप, ओके, जैसे कि आपको मालूम है कि मल्टीपल इफ में एस वाला पार्ट नहीं होता, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इफ लगाकर आपको इसके लिए एल्स के लिए भी इफ लगाना होगा, मतलब सी के लिए भी इफ लगाना होगा, इफ सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से, ओके, इसको कर लेंगे एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसी सेम प्रोग्राम को मैं ही करूँगा सिंपल इफ एल्स से, सिंपल इफ एल्स से, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो हमने 3 नंबर एंटर कर लिए, मैं चेक करता हूँ इफ ए बड़ा है बी से, ओके, क्लियर, मान लीजिए ए बड़ा है बी से, क्लियर, तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टैप दिया, इफ लगाया मैंने का ए बड़ा है बी से, ओके,
अगेन मान लीजिए यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये ए बड़ा है बी से, अगेन कंडीशन ट्रू होने के बाद में आपका कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आएगा, फिर ये चेक करेगा क्या ए बी से भी बढ़ाएगा, सी से भी बढ़ाएगा। ओके क्लियर। तो अगर ऐसा होता है तो प्रिंट एफ में आप लिखेंगे ए बड़ा हैगा, क्लियर, और नहीं तो क्या होगा, वो कंडीशन आपकी एल्स वाले पार्ट में आएगी। किस में आएगी? एल्स वाले पार्ट में, इसके। ओके मान लीजिए शुरू में ही कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई या फिर यहां पर आ गया जी। ओके ए बी से बढ़ाएगा और ए सी से भी बढ़ाएगा तो ए प्रिंट हो गया। मान लीजिए ए जो है आपका वो सी से बड़ा नहीं है, क्लियर। तो जब ए सी से बड़ा नहीं होगा तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, जब रॉन्ग हो जाएगी तो वो याले एल्स वाले पार्ट में आएगा, क्लियर। याले जब एल्स वाले पार्ट में आएगा, ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ लगा दूंगा मैं। ओके क्लियर। तो बड़ा कौन है? सी बड़ा है ए से, तो मैं चेक कर लूंगा क्या सी बड़ा है ओके बी से। समझ गया आप? प्रिंट एफ तो सी लगा देंगे आप। ओके ये यहां पर फिनिश हो गया। और मान लीजिए अब शुरू में ही कंडीशन रॉन्ग हो गई, ए जो है वो आपका बी से बड़ा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, तो बी बड़ा होगा आपका, तो यहाँ पर लगाया मैंने एल्स, प्रिंट एफ लगाया मैंने और यहाँ लिखा जी मैंने बी। ओके तो इसको एक बार आप कंपाइल कर लेते हैं। एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन कर लेंगे, से एक बार चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे अच्छे से। ओके कहाँ पर एरर जा रहेगा ये, प्रिंट एफ। ये वाला इफ जो है, जो ये वाला इफ जो हमने यहाँ पर ओपन किया होगा, इसको हमें क्लोज भी करना होगा। ओके तो देखो ये यहाँ पर शुरू, यहाँ ख़त्म, ये यहाँ शुरू, यहाँ ख़त्म, ये यहाँ शुरू, यहाँ ख़त्म। ओके तो ये वाला जो इफ हैगा, ये तो आपका एंड ही नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे आप इफ ये, क्लियर। ये इसका इफ है, ये यहाँ शुरू और यहाँ ख़त्म। ओके ये हो गया कंप्लीट, इसे करते हैं एग्जीक्यूट एंड रन। क्या हो गया इसमें? ओके ठीक, 10, 20, 30 तो बी बड़ा, इस पर कहीं एरर आ रहेगा, देखते हैं अगर ठीक करते हैं इसे, चेक करेंगे 10, 5 तो सी बड़ा, ठीक ठीक करा अभी तो। अब मान लीजिए इसे मैंने यहाँ चेक किया, अब मैंने बड़ा करा किसको, ए को, ये दिखा, ठीक है वेरी गुड। अब मैंने लिखा यहाँ पर ये 250, अब बी बड़ा है तो बी तो काम तो कर रहा है, दोबारा से करते हैं एक बार 10, 20, 30। ओके तो यहाँ गलती है, ओके यहाँ पर सी आना चाहिए और आ रहा है पी, क्लियर। तो देखते हैं एक बार, ये बड़ा है बी से नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन रंग होगी, यहाँ पर सीधा यहाँ पर आ जा रहेगा। ओके यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा करेंगे मॉडिफिकेशन इसमें। ओके इफ लगा लेंगे इसमें,
स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए बड़ा है बी से, ओके। तो अगर ए ऐसा नहीं होता, मान लीजिए ए जो है आपका वो बी से बड़ा नहीं होता, ओके, तो कंडीशन रॉन्ग होगी। अगर ए मान लीजिए बढ़ाएगा बी से, तो यहाँ पर आके चेक करेगा क्या ए सी से भी बढ़ाएगा। अगर ऐसा होगा तो इनडायरेक्टली आपका ए बढ़ाएगा, क्लियर। और मान लीजिए यहाँ पर आपकी कंडीशन रॉन्ग होती है, तो इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो ए से बढ़ाएगा, ओके, तो सी ए से भी बड़ा होगा, क्लियर। तो मतलब कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। और एल्स वाले पार्ट में आने का ये मतलब है कि सी जो है वो ए से बड़ा है, वो चेक कर लेंगे क्या सी बी से भी बढ़ाएगा, ओके, देन प्रिंट आपका हो जाएगा सी, क्लियर। और शुरू में ही कंडीशन रॉन्ग हो देगी, ए बड़ा है बी से, नहीं, तो मतलब ये है कि बी जो है वो ए से बढ़ाएगा, ओके। तो वो जब कंडीशन रॉन्ग होगी तो एल्स वाले पार्ट में आएगा, बी चेक करेंगे बी जो है वो बढ़ाएगा सी से, ओके। अगर ऐसा होता है, ओके, तो प्रिंट एफ लगाएंगे आप, यहाँ लिखेंगे बी, और एल्स वाले पार्ट में प्रिंट एफ सी, ओके, चेक करते हैं एक बार एग्जीक्यूट 10, 20 और ये 30 आना चाहिए सी सी, क्लियर। तो ये प्रोग्राम हमारा बनके कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं इसको दोबारा से करता हूँ ड्राई रन। जैसे कि मान लीजिए ए में 10 हैगा, बी में 20, तो क्या 10 बड़ा 20 से, नहीं, तो शुरू में ही कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, क्लियर। तो फिर नीचे आके चेक करेगा, यहाँ पर वो एल्स वाले पार्ट में आएगा, ए में कितना था 10, बी में था 20, ओके, और सी में 30। तो अब चेक करेगा क्या 20, मतलब ये 20 बड़ा है 30 से, नहीं, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, ओके। तो मतलब ना ए बड़ा है ना बी, तो सी बड़ा है, तो एल्स वाले पार्ट में आएगा सी, क्लियर। और मान लीजिए ए बड़ा है बी से, ओके, ए में है अब 10, बी में है 200 और सी में 30, तो ए बड़ा है बी से, यस, नो, सॉरी, रॉन्ग कंडीशन, तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो नीचे आएगा एल्स वाले पार्ट में, ओके, क्योंकि ए में 10 है, बी में 200, ओके। फिर अगेन चेक करेगा क्या 200 बड़ा है 30 से, यस, तो प्रिंट होगा बी। और अगर शुरू में ही कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ए में आपका है 100, बी में 20, सी में 30, तो ए बड़ा है बी से, यस, बढ़ाएगा, ए बड़ा है सी से, यस, बढ़ाएगा, तो ए प्रिंट होगा आपका, क्लियर। तो मान लीजिए ए में है इस बार 20, बी में 30 और सी में 1000, तो ए बड़ा है बी से, नो, ए बड़ा है सी से, नो, कंडीशन रॉन्ग, ओके। तो इनडायरेक्टली सी बड़ा है ए से, तो एल्स वाले पार्ट में आएगा, तो आप चेक कर लेंगे क्या सी बड़ा है बी से, यस, तो प्रिंट होगा आपका सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।